नमस्कार, मैं गणेश। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आप अपना ई श्रम कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो दोस्तों, तो आप सही वीडियो पे आए हो दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ई श्रम कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है ये प्रोसेस लाइव करके बताने वाला हूँ दोस्तों। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलेगा दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे आना है। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद आपको क्रोम ब्राउजरी एप्लीकेशन ओपन करके लेना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप कर देना है ishram.gov.in। ये टाइप करके आपको सर्च कर देना है दोस्तों। सर्च करने के बाद हमें यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ईश्रम होम इस पर क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद देखिए, हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो हमें थोड़ा स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद हमें यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड अपडेट इस पर क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। नया विंडो ओपन होने के बाद हमारे लेफ्ट साइड में थ्री लाइन्स है दोस्तों, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इस पर क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद देखिए, उसके नीचे अपडेट प्रोफाइल और उसके नीचे अपडेट डाउनलोड इवेंट कार्ड। तो हमें इवेंट कार्ड डाउनलोड करना है, तो हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है दोस्तों। मैं यहाँ पे डाउनलोड इवेंट कार्ड ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखिए, हमें यहाँ पर इवेंट नंबर से इवेंट कार्ड डाउनलोड करना है। तो हमें यहाँ पर इवेंट नंबर टाइप कर देना है और उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देना है और उसके नीचे कैप्चा टाइप करने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे मेरा इवेंट नंबर टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे मेरा इवेंट नंबर टाइप कर दिया है, उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ भी टाइप कर दिया है और उसके नीचे कैप्चा भरने के बाद मैं जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा। तो वो ओटीपी हमें यहाँ पे टाइप कर देना है। ओटीपी हमें मिल चुका है, तो वो ओटीपी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ओटीपी मैंने टाइप कर दिया है। ओटीपी टाइप करने के बाद हमें वैलिडेट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों। वैलिडेट इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है अपडेट प्रोफाइल और दूसरा ऑप्शन है डाउनलोड इवेंट कार्ड। तो हमें इवेंट कार्ड डाउनलोड करना है दोस्तों। मैं डाउनलोड इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। डाउनलोड इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, हमारे सामने एक इवेंट कार्ड का पेज ओपन हुआ है दोस्तों। तो ये इवेंट कार्ड हमें डाउनलोड करके लेना है दोस्तों। तो उसके लिए हमें डाउनलोड इवेंट कार्ड ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर हमें क्लिक करना है दोस्तों। डाउनलोड इवेंट कार्ड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, मेरे सामने डाउनलोड अगेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले से ही इवेंट कार्ड डाउनलोड करके रखा है। इसके लिए मेरे सामने डाउनलोड अगेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो मैं डाउनलोड अगेन पे क्लिक कर देता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेरा इवेंट कार्ड डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपना इवेंट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।